तो गाइस हमारी गाड़ी मॉडिफाई हो चुकी है, और भाई क्या लग रही है ये भाई मॉडिफाई होने के बाद, देख रहे हो कैसे हो मेरे भाई। हम फिर से खेल रहे हैं GTA 5 ट्रेवर के साथ। तो आज हम लोग जाने वाले हैं भाई पुलिस की लैम्बोर्गिनी को मॉडिफाई कराने। तो जैसे कि आप सबको पता है भाई, ट्रेवर ने एक बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर की लैम्बोर्गिनी को चोरी किया था। देख रहे हो भाई कितनी ज्यादा प्यारी है। तो अगर आप लोगों ने वो वाला वीडियो नहीं देखा है कि इस गाड़ी को ट्रेवर ने कैसे चोरी किया, तो चैनल पर जाके देख सकते हो। एंड आप में से काफी सारे लोग बोल रहे थे कि यार इस गाड़ी को मॉडिफाई कराओ। तो आज हम लोग जाने वाले हैं भाई इस गाड़ी का पूरा हुलिया चेंज कराने, मतलब फुल्ली मॉडिफाई कराएंगे, फुल्ली अपग्रेड कराएंगे। मतलब पता ही नहीं चलेगा भाई किसी को ये पुलिस की गाड़ी है, और जिस बंदे की गाड़ी है वो भी इसे नहीं पहचान पाएगा। तो सबसे पहले हमारा काम है ड्राइवर को यार कुछ अच्छे ढंग के कपड़े लेके देना, क्योंकि ड्राइवर के पास कपड़े ही नहीं है। तो सबसे पहले यार कपड़े लेने पड़ेंगे, क्योंकि इतनी महंगी गाड़ी चलाएगा और बेकार फटे पुराने कपड़े पहनेगा तो भी मजा नहीं आने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग को इसके लिए कुछ अच्छे कपड़े लेने हैं। तो कपड़े की शॉप है यहाँ पे जहाँ अच्छे कपड़े मिलते हैं, मतलब ड्राइवर यहीं जाता है जब भी कपड़े खरीदता है, क्योंकि वहाँ अच्छा खासा डिस्काउंट भी चल रहा है। तो हम लोग वहीं जाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपनी गाड़ी की टंकी फुल करा लेते हैं, उसके बाद चलते हैं क्योंकि हमें काफ़ी लंबा जाना पड़ेगा। ओके, तो फुल करा लेते हैं पूरा टैंक एंड उसके बाद चलते हैं। तो गाइस आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को प्लीज़ अभी लाइक कर देना। और अगर आपको GTA 5 की वीडियोस देखना पसंद है तो प्लीज़ यार चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं डेली GTA 5 की ऐसी वीडियोस डालता हूँ तो आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अरे अरे भाई, अरे भाई रुक जा रुक जा। तो हम लोग जल्दी से चलते हैं शॉप पे एंड ड्राइवर के लिए कुछ अच्छे कपड़े खरीदते हैं, एंड उसके बाद हम लोग गाड़ी को करते हैं चेंज होलिया पूरा। और यार गाड़ी मॉडिफाई कराने के बाद जल्दी ड्राइवर लॉस एंटो सिटी में शिफ्ट भी हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि ड्राइवर को यार जल्दी शिफ्ट करो। तो भाई लोग टेंशन मत लो यार, जल्दी ड्राइवर शिफ्ट हो जाएगा। भाई इस गाड़ी का थोड़ा पंगा बढ़ रहा है, क्योंकि इस गाड़ी को यार लेके नहीं जा सकता, नहीं तो पुलिस पकड़ लेगी। और पुलिस भाई बहुत बुरी तरीके से इसे ढूंढ रही है लॉस एंटो सिटी में। तो हम लोग इस गाड़ी को मॉडिफाई कराने के बाद जल्दी शिफ्ट हो जाएंगे लॉस एंटोस में भी। और बाकी इस गाड़ी का पिकअप वेगा काफ़ी सही है। बाकी आज ड्राइवर कह रहा है यार भाई फुल्ली अपग्रेड कराएगा, मतलब पैसा पैसा खर्च करने वाला है। और पैसे की कोई कमी नहीं है भाई, चोरी का चगारी कर करके बहुत पैसा कमा लिया है इसने और माइकल ने। तो जल्दी से चलते हैं हम उस शॉप पे, काफ़ी ज़्यादा दूर है। और ड्राइवर बहुत सालों बाद अपने लिए कपड़े खरीदने जा रहा है। बहुत सालों पहले उसी शॉप से ड्राइवर ने अपने लिए कुछ कपड़े खरीदे थे जो ये आज तक पहन रहा है। और भाई ड्राइवर अपने कपड़ों को कभी धोता ही नहीं है, इसीलिए आज ड्राइवर नए कपड़े खरीदे, क्योंकि इसके पास कोई नए कपड़े नहीं है। सॉरी भाई, हम लोग किसी की हेल्प नहीं कर सकते, ऐसी भाई बंधे रहो तुम थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि सबसे पहले तो हमें इस गाड़ी को मॉडिफाई करना है। तो हम लोग यहाँ लगाते हैं इस गाड़ी को और यहाँ से खरीदते हैं कुछ नए कपड़े अपने लिए। ओके, तो देखते हैं कुछ कपड़े पसंद आते नहीं आते हैं। हेलो मैडम, क्या हाल है? ओके, तो उस साइड है सूट, उन्हें पता है देखो ड्राइवर भाई सूट वूट खरीदने आए, तो हम लोग को कुछ अच्छे सूट खरीदने वाले ड्राइवर के लिए। एंड देखते हैं शूज वूज भी पसंद आ जाएंगे तो ले लेंगे। तो ये शूज मुझे काफ़ी सही लग रहे हैं, तो हम लोग दोनों शूज को बाय कर लेते हैं, ऐसा करते हैं। एंड सूट भी लेने हैं, तो ये शर्ट तो बेकार है। ओके, तो ये सूट काफ़ी सही है, तो मैं इन्हें बाय कर लेता हूँ सारे के सारे को। तो मैंने काफ़ी सारे सूट इसके लिए बाय कर लिए, तो अभी हम लोग पहन के चलते हैं। ये भी बाय कर लेता हूँ, सारे सूट मैंने बाय कर लिए हैं। ओके, तो हम लोग अभी इस सूट को पहन के चलते हैं, ये काफ़ी सही लग रहा है। देख रहे हो भाई क्या लग रहा है, मतलब पहली बार इसने सूट पहना है, मतलब प्रॉपर सूट, कितना ज़्यादा स्मार्ट लग रहा है। देख रहे हो, अगर मिरर में देख ले भाई, देख ले अपने आप को। तो हम लोग इसके लिए एक अच्छा सा ग्लास भी खरीदते हैं, क्योंकि भाई सूट तो ले लिया है, भयंकर ग्लास ले लेगा तो और तगड़ा लगेगा। तो यहाँ दिख रहे हैं मुझे कुछ अच्छे ग्लास। ओके, तो ये तो इसके मतलब के नहीं लग रहे हैं। ओके, तो ये काफ़ी ज़्यादा सही है, इसके संग जा रहा है सूट के संग। ओके, तो ये भी हम लोग बाय कर लेते हैं और ये भी काफ़ी सही है। देख रहे हो भाई, मैडम को भी पसंद आ गया भाई ड्राइवर की शॉपिंग करना। तो हमारी शॉपिंग हो चुकी है, हम लोग चलते हैं जल्दी से कस्टम वाली शॉप पे। और देख रहे हो, सबसे पहले यार इसे एक बार देखो भाई क्या लग रहा है, मतलब देख रहे हो पहली बार इसने ऐसे कपड़े पहने और भाई बहुत स्मार्ट लग रहा है। आप लोग कॉमेंट करके बताना कि भाई ड्राइवर सूट बूट में कैसा लग रहा है, मतलब पूरी लाइफ भाई इसकी चेंज हो गई है, मतलब लग्जरी लाइफ जीने वाला है, पैसे की कोई कमी नहीं है। तो हम लोग जल्दी से लेके चलते हैं अब इसे कस्टम की शॉप पे, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो हम लोग लेके जाने वाले हैं एयरपोर्ट के पास जो कस्टम की शॉप है वहाँ पे, क्योंकि वो इसका दोस्त है। एंड यार कोई भी यार इस गाड़ी में हाथ लगाने को मना कर रहा है, मतलब मॉडिफाई करने को या चेंज करने को, क्योंकि पुलिस की गाड़ी है तो सब लोग डर रहे हैं। बट यार वो इसका फ्रेंड है, तो उसने हाँ कर दिया कि हाँ चल ठीक है, आ जा मैं कर दूंगा। तो हम लोग वहीं जाने वाले हैं इसे मॉडिफाई करवाने। काफ़ी ज़्यादा टाइम और पैसा खर्च हो जाएगा, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, अपनी लैम्बोर्गिनी हो जाएगी एकदम नई, और कलर वलर भी चेंज हो जाएगा। और भाई उस बंदे ने बोला है कि पता ही नहीं चलेगा किसी को कि भाई ये किसकी गाड़ी है, और बाद में ड्राइवर अपने नाम इस गाड़ी को करवा लेगा।
तो हम लोग थोड़ा सायरन बजा के मजे लेते हैं, क्योंकि यार यहाँ तो कोई भी पुलिस वुलिस का सीन नहीं रहता है। तो देख रहे हो लोग भी डर रहे हैं। चलो मैं बंद ही कर लेता हूँ भाई, लोग डर के गाड़ी के ब्रेक लगा रहे हैं अपने। सो गाइस हम लोग जल्दी से चलते हैं भाई लॉस सैंटोस कस्टम, क्योंकि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर है और काफ़ी टाइम भी लगने वाला है। तो मैं आप लोग को डायरेक्टली वहीं पर मिलता हूँ। ओके तो गाइस हम लोग कस्टम की शॉप के पास पहुँच गए और देख रहे हो भाई गाड़ी कितनी ज़्यादा गंदी हो गई, और भाई ड्राइवर को बहुत ज़्यादा टाइम लगा है यहाँ पे लाते हुए, क्योंकि रास्ते में भाई इतनी ज़्यादा पुलिस थी तो छुप छुप के लाना पड़ा इस गाड़ी को, क्योंकि भाई हर जगह इस गाड़ी को ढूंढा जा रहा है। बट कोई दिक्कत की नहीं, बात नहीं है भाई, ड्राइवर और ज़्यादा खतरनाक है। तो हम लोग आ चुके हैं लॉस सैंटोस कस्टम, हम लोग जल्दी से गाड़ी को करते हैं मॉडिफाई। सो गाइस पहले मैं पूरी गाड़ी को मॉडिफाई करा लेता हूँ एंड उसके बाद आप लोग को दिखाता हूँ। 2,000 years later. तो गाइस मॉडिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है। ओ भाई क्या लग रही है ये मॉडिफाई होने के बाद, मतलब कोई कह सकता है कि भाई ये पुलिस की लैम्बोर्गिनी है, मतलब पूरी चेंज हो चुकी है। मैं आपको एक बार उतर के अच्छे से दिखा देता हूँ। और गाइस रेड कलर इसलिए कराया ट्रेवर ने क्योंकि रेड भाई कलर ट्रेवर का फेवरेट कलर है, इसलिए पूरा रेड एंड ब्लैक कलर में कराया। भाई कितनी प्यारी लग रही है, मतलब अगर मैं अभी इसे पुलिस वाले के घर भी ले गया तो वो भी नहीं पहचान पाएगा कि ये उसकी लैम्बोर्गिनी थी। भाई कस्टम वाले ने बहुत ही बढ़िया काम किया, पैसा और टाइम तो बहुत ज़्यादा लग गया पर कोई दिक्कत नहीं भाई, गाड़ी भी एक नंबर बना के दिया। मैं आपको थर्ड पर्सन पे करके दिखाता हूँ, आप लोग कॉमेंट करके बताना कि आप लोग को भाई ये कलर कैसा लग रहा है और आपको ड्राइवर की लैम्बोर्गिनी कैसी लग रही है। देख रहे हो भाई कितनी ज़्यादा प्यारी और फुल्ली अपग्रेड कराई है, और देख रहे हो पेंट वेंट इतना ज़्यादा सही किया है कि बिल्कुल नहीं लग रही है, बिल्कुल नहीं। तो मैं आपको इसका एक बार इंटीरियर दिखा देता हूँ कि इंटीरियर कैसा है, क्योंकि हम लोगों ने इंटीरियर भी पूरा चेंज कर दिया है। तो हम लोगों ने पूरा रेड कलर का इंटीरियर बनवाया, देख रहे हो आगे से, और लैम्बोर्गिनी का लोगो भाई क्या लग रही है। और मैं आप लोग को इसकी एक बार आवाज़ सुना देता हूँ, उसके बाद हम लोग लेके चलते हैं इसे एयरपोर्ट के अंदर, क्योंकि हम लोग इसकी टॉप स्पीड हैंडलिंग और ब्रेक चेक करने वाले हैं। देख रहे हो भाई आवाज़ इसकी, तो हम लोग लेके चलते हैं इसे एयरपोर्ट के अंदर एंड इसकी टॉप स्पीड चेक करते हैं। ओके आराम से चलाना पड़ेगा भाई, ड्राइवर को अभी आदत नहीं है सुपर कार्स की, तो वही खटारा कार्स की आदत है, तो कोई नहीं थोड़े टाइम में यार आदत भी पड़ जाएगी। तो भाई जल्दी से गेट खोल दो यार। तो हम लोग लेके चलते हैं जल्दी से भाई, ड्राइवर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा है इसे चलाने में। देख रहे हो भाई मतलब 150 तो ऐसे ही पहुँच रही है, इतना तगड़ा पिकअप हो गया इसका। ओ भाई 200 पहुँच गए यहीं पर, मतलब 200 तो यहीं पर पहुँच गए। देख रहे हो क्या पिकअप हो रहा है भाई, बहुत बढ़िया मॉडिफाई करी है, मतलब कस्टम वाला भाई अपना दोस्त है इसीलिए उसने भाई पूरे दिल लगा के मॉडिफाई करी है इसे। तो हम लोग ट्रैक पे लेके चलते हैं एंड उसके बाद इसकी टॉप स्पीड चेक करते हैं। बाकी यार ड्राइवर को टॉप स्पीड से कोई मतलब नहीं है, बट फिर भी हम लोग टॉप स्पीड इसकी एक बार चेक कर लेते हैं। ओके तो गाइस हम लोग चेक करते हैं इसकी टॉप स्पीड। ओके भाई 100 तो आराम से पहुंच गए, 200 पहुंच गए भाई, 200 पहुंच चुकी है आराम से एकदम, 250-300 आराम से पहुंचती होगी ये। ओके ट्रैक छोटा पड़ चुका, भाई नई गाड़ी का नुकसान हो जाता, अभी बच गए हम लोग भाई, बच गए बच गए बच गए। देख रहे हो भाई यही फायदा है मतलब बुलेट प्रूफ कार का, देख रहे हो एक स्क्रैच भी नहीं लगा है, देख रहे हो एक स्क्रैच भी, मतलब इतना तगड़ा एक्सीडेंट होने के बाद भी एक भी स्क्रैच नहीं लगा है गाड़ी में। सो गाइस हम लोग ने इसकी टॉप स्पीड चेक कर लिया, मतलब 250 तो आराम से पहुंचती है। अब लेके चलते हैं हम लोग इसे घर, क्योंकि ज़्यादा स्पीड गया ड्राइवर को कोई करना ही नहीं, कोई काम ही नहीं है, तो हम लोग लेके चलते हैं अब इसे घर जल्दी से। ड्राइवर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा भाई इसे चलाने में, मतलब 1-2 दिन तो लग जाएंगे ड्राइवर को इसे अच्छे से सीखने में, और ब्रेक्स भी बहुत बढ़िया है इसके। तो मैं जल्दी से चलता हूँ एयरपोर्ट से बाहर एंड उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ। ओके तो गाइस हम लोग एयरपोर्ट से बाहर आ चुके हैं एंड पहले मेरे को लग रहा है फ्यूल डलवाना पड़ेगा, नहीं तो घर जाते जाते फ्यूल ख़त्म हो जाएगा इस गाड़ी का, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तेल खा रही है यार गाड़ी। तो हम लोग को आगे से जाना है भाई, देख रहे हो क्या भाग रही है। ओ हो 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 आराम से चला भाई ड्राइवर आराम से, तो भाई ठोको के मतलब ख़त्म कर देगा गाड़ी को यहीं पर ही पूरा। भाग के पकड़ लो मैडम, कोई गाड़ी लेके भाग रहे तो। ओके तो मैं यहाँ से शॉर्टकट मार के ऊपर जाता हूँ। देख रहे हो भाई कितनी स्मूथ चल रही है मतलब आराम से। ओके तो गाइस जल्दी से चलते हैं हम लोग इसके घर, क्योंकि यहाँ से काफी ज्यादा दूर है, बहुत ज्यादा टाइम भी लगने वाला है और ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा हो रहा है। तो हम लोग डायरेक्टली चलते हैं वहीं एंड मैं आप लोग को डायरेक्ट मिलता हूँ वहीं पे। हम लोग ड्राइवर के घर के पास पहुँचने वाले हैं, हमें थोड़ी ऑफ रोडिंग करनी पड़ेगी इस गाड़ी से, और ड्राइवर भाई इस गाड़ी को भगाते हुए लाया, मतलब भाई क्या भाग रही थी ये गाड़ी। और ड्राइवर बहुत ज़्यादा खुश भी है यार इस गाड़ी के साथ, क्योंकि अभी तक इसने कोई भी ऐसी गाड़ी अपने पास नहीं रखी, चोरी तो बहुत महंगी महंगी गाड़ी की है इसने,
बट चोरी करके ये बेच देता है पहली गाड़ी इसने अपने पास ऐसी रखी हुई है। और जल्दी यार ये घर भी लेने वाला है, तो घर भी इसके पास एक अच्छा हो जाएगा, और गाड़ी तो हो ही गया, मतलब सही लाइफ जीने वाला है भाई ड्राइवर। बहुत धक्के खा लिए इसने, मतलब यहाँ पे गाँव साइड। तो हम लोग घर आ चुके हैं, गाड़ी को करते हैं हम लोग अंदर पार्क, क्योंकि अभी तो यार हमारे पास यही गराज है, उसके बाद हम लोग इसे अच्छा से गराज में खड़ी कर देंगे। तो मुझे पहले इस साइड लगाना पड़ेगा, क्योंकि गराज में एक कबाड़ सी गाड़ी खड़ी है, वो है ट्रेवर के उस नशेड़ी दोस्त की। तो पहले मैं उसे निकाल देता हूँ बाहर। ओके तो गाइज वो शायद अभी कहीं गया हुआ है, तो गाड़ी गराज में नहीं खड़ी, अच्छी बात है। तो मैं इसे पार्क कर देता हूँ। ओके तो यार वो तो वहीं पर खड़ा है, बट गाड़ी उसकी पता नहीं कहाँ गई है, शायद कोई लेके गया होगा मांग के। ओके यहाँ तो जगह ही नहीं भाई, आराम से आराम से आराम से ठुकनी नहीं चाहिए। तो हम लोग अब आराम से अंदर लगा देते हैं। और भाई इनका गैराज भी देख लो, लकड़ी का गेट है, मतलब कोई भी चोरी करके ले जाएगा अगर किसी को पता चल गई कि भाई ड्राइवर के पास इतनी महंगी लैम्बोर्गिनी है। और गैराज देख रहे हो भाई, मतलब गैराज का मतलब ये कबाड़ खाना ज़्यादा लग रहा है, मतलब कूड़ा डालते ना कूड़ेदान वैसा लग रहा है। गाड़ी देख रहे हो कितनी प्यारी लग रही है भाई, एकदम नई बना दी है। तो हम लोग पार्क कर देते हैं अपनी गाड़ी को यहीं पर। सो गाइज आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया तो प्लीज़ यार लाइक जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं डेली ऐसे GTA 5 के वीडियोज डालता रहता हूँ, तो आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मैं आप सबसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।